कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मार्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरित्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बन्धौ गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनरूपहरि महामोहतं पुञ्जजासुवचनविकर्णिक गुरुभिर्भवन्दितरहिन कोई शिव विरंच विष्णु किं होय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियाराम मै सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यहां मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संत वृंद, माननीय गण, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए लखावत जी, यहां पर हम एकत्रित हुए हैं इस राम नाम परिक्रमा के पर्व पर। इतने दिन से हम परिक्रमा कर रहे हैं, राम नाम का महिमा अनेक संतों ने गाया, आज भी गाया, इतने दिन से गा रहे, हमने सुना और सुनते आए हैं कथाओं में। अजमेर में तो कहीं ना कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम चलता ही रहता है, हम सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो राम नाम के मैं मानता हूं कि राम नाम महिमा से कोई अनजान तो नहीं है। जरूरत है तो इसको समझकर उस पर थोड़े दो कदम चलना। हमेशा हम एकत्रित होते हैं, सुनते हैं, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छी कथा थी, सभी कहते रहते हैं। तो मैं समझता हूं राम नाम का महिमा गान खूब हुआ है, अभी भी हुआ है, सभी जानते हैं। लेकिन जो मैं सुन रहा था उसमें जो प्रश्न खड़ा हो रहा है आज कि राम नाम ले, हरि नाम ले, कृष्ण नाम ले, जहां रुचि हो वो नाम ले, ये मार्ग है विविध एक परम तत्व तक पहुंचने का। लेकिन इसके बीच में जो प्रश्न खड़ा है जिसके कारण वो तत्व हाथ में नहीं आता और हम लोग इधर इधर भटक रहे हैं, जो प्रश्न आज यहां चर्चा हो रही है कि ये इतनी जातियों में हम बढ़ गए, इसका क्या? ये जो जातियों में बटे उसे ये शास्त्र विदित बात है, किसकी बात है? किसने शुरू किया? शुरू किया किया जिसने किया छोड़ो। हम यहां एकत्रित किसके लिए हुए हैं? राम नाम के लिए, ये तो पक्का है ना? राम नाम के लिए आए हो ना? ठीक, तो हमारी तो छोड़ो, हमें तो आदत पड़ गई है बोलने की, तुम्हें आदत पड़ गई है सुनने की, छोड़ो। लेकिन जिस नाम पे आप एकत्रित हुए हैं यहां पर, जिस राम नाम के लिए आए हो, जो राम नाम की परिक्रमा के लिए आए हो, वो राम की बात तो मानोगे कि नहीं? वो राम ने क्या कहा? कौन सी जाति, कौन सी पाति, कौन से कुल में जन्म लेने से राम मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, परम तत्व मिलेगा? उसने क्या कहा? भगवान राम ने तो बहुत स्पष्टता कर दी है इस मामले में, सभी जानते हैं। पुनः एक बार आपके सामने रखता हूं, सोचिएगा इस विषय पर। भगवान राम जब शबरी के पास जाते हैं, उस प्रसंग को ध्यान से दो। शबरी एक जंगल में भटकने वाली
भील कौम की छोटी सी बालकी थी, अपने परिवार के साथ जाती थी मां बाप के साथ जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने के लिए। मां बाप उसके बीच में कुटी आती थी महात्मा की, वहां छोड़ देते कि बेटा यहां खेल, हम जंगल में से लकड़ियां लेके आते, आके फिर जाके बेचना, उसमें से आटा खरीदना, निर्वाह करना, ये क्रम था। वो भील की बच्ची उस कुटिया में रह हुए संत के साथ रहती थी पूरा दिन, कभी पानी भर दिया, कभी सफाई कर दी, कभी ये कर दिया, ये क्रम रहा उसका। धीरे 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 उसके माता पिता भी जल बसे, तब वो युवावस्था में आ गई थी। लोगों ने कहा कि ऐसे तेरा अकेला जंगल में जाना है या बैठना संतों के साथ ठीक नहीं है, फिर भी अपनी निष्ठा बनाए रखी, गुरु सेवा में लगी रही। समय आया, गुरु वृद्ध हो गए, समय आ गया, गुरु ने शरीर छोड़ा, लेकिन कह के गए कि बेटा इसी निष्ठा से रहना, एक दिन आराम मिलेगा। और गए, चलो गए, फिर भी सेवा करती रही, उसी आकुटिया को संभालती रही। कहते हैं शबरी वृद्ध हो गई, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसी निष्ठा से उस कुटिया को साफ करके नित्य क्रम करती रही। उस समय सभी जानते हैं राम आए, ये प्रसंग सभी जानते हैं, लेकिन जो मुझे जिस विषय पे आना है, जब राम आए तब शबरी ने क्या किया? हम जानते भाई बेर दे दिए, नहीं साहब, अब ठीक से मानस को पढ़े। शबरी के आश्रम में जब राम पहुंचे हैं, तब शबरी ने दूर से प्रणाम किए। सभी शास्त्रों के नाथ लोग बैठे हुए हैं, मैं साहस कर रहा हूं बोलने का। प्रणाम किया दूर से और कहा, हां मेरे गुरु ने जो संकेत दिए थे वो चिन्ह आपके अंदर है, आप राम हो, वो मैं मानती हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने जो लक्षण कहे थे वो आप में है। उसके बाद उसने जो कहा कि महाराज ये बेर रखे हैं आपके लिए, आपको योग्य लगे तो खा लेना। बोले क्यों? तब शबरी ने कहा है कि भगवान हम तो अधम जाति के हैं, तिरस्कृत जाति के हैं, अस्पृश्य है महाराज, हम आपको कैसे भोग लगाए, हम आपकी क्या पूजन करें, हम आपकी क्या स्तुति करें, क्या अर्चना करें हम। बोले क्यों? शबरी के शब्द है मानस के, अधमति अधम अधम मैं नारी। हे महाराज, मैं अधम जाति की, अधम कुल की, अधम पाति की, उसमें अधम में अधम अधम नारी हूं, पांच बार उल्लेख है साहब, इतनी अधम हूं मैं, आपकी क्या पूजा स्तुति करूं, कैसे आपको वंदन करूं, मुझे तो अधिकार दिया ही नहीं है। बस मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा एक दिन राम आने वाले हैं, उसी भरोसे पे बैठी हूं महाराज, अब ये बेर इकट्ठे करती हूं, मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं देने को। तब राम ने जवाब दिया है जो हम भूल चुके हैं, केवल राम नाम लेने से नहीं होगा, राम को समझो। तब राम ने कहा है कि मां तूने क्या कह दिया, तू अधम है, अधम जाति की है। बोले हां। तब राम ने कहा है जाति पाति कुल धर्मन बड़ाई। हे शबरी, हे मां सुन, मैं जाति पाति कुल धर्म ऊंच नीच किसी को नहीं देखता,
अब ये राम ने कहा है, राम ने, अब तो मानो, हमारी मत मानो, छोड़ो। ये राम ने कहा है कि जाति पाति कुल धर्म न बढ़ाई, मानहु एक भगति कर सोई। एक तेरा विश्वास है राम नाम में, इस राम में वो पर्याप्त है। तो समझ नहीं आती ये जाति पाति आया कहां से साहब। जाति पाति कुल धर्म न बढ़ाई, मानहु एक भगति का रस हो, ये सब जानते। उसी समय भगवान ने नवधा भक्ति का गान किया है कि मां ये नौ प्रकार की भक्ति है, ये नौ प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति भी किसी में हो तो मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। मां तुझ में तो नौ की नौ है, और आज तू मेरी स्तुति नहीं करेगी, मां आज मैं राम तेरी स्तुति करने आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं, ये है राम। परिक्रमा करते हैं, थोड़ा सोचो हम किस परम तत्व राम नाम की परिक्रमा कर रहे हैं। ये वो राम है जिसने तिरस्कृत छोड़े हुए अहल्या का उद्धार किया है साहब। समाज ने छोड़ा, सब ने छोड़ दिया, पत्थर हो गई वो, उसको स्वीकारा है इसने, जटायु को स्वीकारा है साहब। भीलों के बीच में भगवान ने, ये भी तो भगवान, आप शायद नहीं जानते हो, और जानते हो तो शायद विस्मृत हो गए हो। मैं याद कर रहा हूं, राम को वनवास दिया नहीं था, राम को वनवास नहीं दिया गया था, राम ने मांगा है, राम ने मांगा है सब कि मां तू मेरे लिए वनवास मांग, मैं वहां जाना चाहता हूं जहां मेरे राज्य के तिरस्कृत लोग रह रहे, उनको मैं मूल धारा में जोड़ूं, तब जाके अयोध्या में राम राज्य आएगा। मेरे भाई बहन सभी को बोलना है तो थोड़ा विषय को प्रवाह में चला जाऊं तो क्षमा करे, चला गया थोड़ा, लेकिन क्या करूं, ये राम नाम के ऊपर जो लोग बिना समझे कर रहे हैं, और जाति पाति कुल धर्म में हम बढ़ गए साहब। इसीलिए कोई शुरुआत करे ना करे, इस चित्रकूट धाम ने तो 15 साल से शुरुआत करी है, और आज भी हमारे मंदिर में आओगे तो वहां आपको एक बोर्ड मिलेगा कि यहाँ जाति पाति कुल धर्म ऊंच नीच किसी की बड़ाई नहीं है, कोई भी इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है। तो मैं तो समझता हूं राम नाम की परिक्रमा करिए, आओ हम सब साथ मिलकर एक दो कदम इस राम के कार्य में बढ़े तो इस परिक्रमा का हमारा सफल होगा। और जो आयोजक सबने किया उसको बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम, जय श्री राम।